केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब पूर्व केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं और राजनीति से अछूते चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले आरसीपी सिंह अब जदयू से उस किनारे पर पहुंच चुके हैं जिस किनारे पर एक बूथ अध्यक्ष होता है। लेकिन आरसीपी सिंह ने अपनी ताकत दिखानी नहीं छोड़ी है। आरसीपी के ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें चैलेंज किया गया कि जो व्यक्ति 500 की भीड़ नहीं जुटा सकता है वो व्यक्ति जदयू क्या चलाएगा, तो उन्होंने 5000 की संख्या में लोगों को जुटा कर और अपनी बातों को रखा है। आरसीपी सिंह जिद पर अड़े हैं। आरसीपी सिंह के उस बयान को सुनिएगा जिस बयान में उन्होंने जिक्र किया था कि नीतीश कुमार नालंदा के नहीं हैं, नालंदा के हम हैं, नीतीश कुमार बख्तियारपुर के हैं। इसके कहने का क्या तात्पर्य था? सीधा सा मतलब था कि आरसीपी सिंह नालंदा पर अब कब्जा करना चाहते हैं, चाहे राजनीतिक कब्जे की बात हो या आने वाले दिनों में लोकसभा लड़ना हो या विधानसभा लड़ना हो। नालंदा को लेकर नीतीश कुमार ने जो काम किया है कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह उस काम के ज़रिए और नालंदा में किए गए नीतीश कुमार के कार्यों को कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आरसीपी की जिद ने ललन सिंह और जनता दल यूनाइटेड के अंदर कोहराम मचाकर रख दिया है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में वो जनता दल यूनाइटेड में अपनी पकड़ को बना पाएंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ललन सिंह ने आरसीपी सिंह की सक्रियता को देखते हुए पार्टी का जो पद है और पार्टी की जो कमेटी है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ और तमाम प्रकोष्ठों को बढ़ाया गया, उसके बाद मेन स्ट्रीम को भी अब आगे बढ़ा दिया गया है और 50 से 60 लोगों की फौज आरसीपी के खिलाफ उतारी गई है। इस फौज के जरिए वो क्या दर्शाना चाहते हैं और ललन सिंह किस प्रकार से इस फौज के जरिए आरसीपी को बैकफुट पर करना चाहते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह ने जिस प्रकार से जिद दिखाया है, आरसीपी सिंह ने सियासत को लेकर जो पेच फंसाया है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह जिस प्रकार से एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं जदयू के लिए खतरनाक साबित होंगे। खासतौर पर नालंदा में जब वो चुनाव लड़ेंगे तो संभवतः जनता दल यूनाइटेड के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, उनके टिकट पे लड़ेंगे, या अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए कि जदयू के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और जदयू में उनकी पकड़ रही है। बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री से हटने के बाद आरसीपी सिंह की नाराज़गी स्पष्ट दिख रही थी। अब ऐसे में उन्होंने जो मसला बिहार की सियासत में उठाकर छोड़ा है जिसकी चर्चा सभी दल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।